सो गाइज, अभी हम लोग हैं नागपुर के अंबाजरी लेक और धूप बहुत तेज है। इधर में देख सकते हो, इधर में मेरे आपको मशीनें दिखाई देंगी और अभी ये अंबाजरी लेक आपको बदला बदला सा दिखाई देगा। बिकॉज इधर में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे पत्थर ला कर रखे हैं, क्योंकि स्टोन पिचिंग का काम यहाँ पे शुरू है। मैंने आपको ये 2 महीने हो गए, शायद 2 महीने पहले आपको बताया था कि इसमें स्टोन पिचिंग होना है। उस टाइम में इसका साफ सफाई का काम भी शुरू होने को था, यानी शुरू हो गया था बट उतना हुआ नहीं था। लेकिन इस बार जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पूरा बदलाव हो चुका है और अभी 1 महीने बाद इसका बहुत चेंज हो जाएगा। और अभी पानी बहुत ज़्यादा खाली हो गया है तो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। देखो, तक के स्टोन पिचिंग आप देख सकते हो किस तरीके से की गई है। जैसे ब्रिज वगैरह के लिए किया जाता है तो वही उस टाइप से यहाँ पे काफ़ी सारे आपको पत्थर दिखाई देंगे। और दूर तक के इधर में पूरा कचाटा हुआ करता था और उस साइड का जो भाग है लास्ट वाला, वो अभी यहाँ से क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। देख सकते हो वो जो पानी जहाँ से जाता है ना, उस वो वाली वॉल आपको खड़ी दिखाई देंगी। पानी अभी इसका काफ़ी नीचे उतर चुका है, बहुत नीचे गया है पानी। मैं आपको दिखाऊंगा कि लेवल इसकी कितनी रहती है। और अभी एकदम क्लीन करके, प्लेन करके पूरे पत्थर लगाए जा रहे। और यहाँ पे देख सकते हो जलकुंभी इसको बोलते हैं, ये इतना फैल चुका है कि उधर में दो आपको मशीन दिखाई देंगी जो निकाल रही है, कंटिन्यू निकालने का काम कर रही है। और इधर में एक मशीन दिखाई देंगी, वहाँ पे एक देख सकते हो वो एक मशीन लगी हुई है और इधर में भी एक मशीन लगी हुई है। काफ़ी सारे मशीन लगी हुई है और बहुत मैन पावर भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे इधर में आप देख सकते हो डंडे लेकर उसको उससे भी निकालते हैं जितना हो सकता है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ से निकाल रहे हैं। तो हम आगे उधर लास्ट तक के चलते हैं और उधर का भी आपको व्यू दिखाते हैं गाइस। तो अभी लेवल में आपको दिखाता हूँ। देखो, ये जो है ना, वो ऊपर की जो किनारे वो वाइट वाइट दिख रहा है ना, उसके वहाँ तक के पानी रहता है। और अभी बहुत लेवल नीचे गई है क्योंकि स्टोन पिचिंग करना था, उस वजह से इसे खाली किया गया। तो चलिए, वो बीच में क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, यहाँ से हम लोग जा सकते हैं, उधर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या होता है। देखो किस तरीके से स्टोन पिचिंग किया जा रहा है। अभी पूरा पत्थर अभी काफ़ी लगाना बाकी है। और यहाँ से बहुत लोग बरसात में क्या करते हैं ना, यहाँ से जाके छलांग लगाते हैं और उसमें यानी तालाब में जो है नहाने के लिए डुबकी लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये पानी बहुत ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कंपनियों का, फैक्ट्रियों का पानी यहाँ पर आता है और जिसको तैरना आता है भाई, ये उसी के लिए है। अदरवाइज़ ये बहुत रिस्की भी है, डेंजर भी है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है और ये अभी भी है ना। तो ये बहुत पुराना तालाब है, ये कोई बाद में बनाया गया नहीं। जितने भी तालाब होते हैं पुराने होते हैं और ये शायद पहले पानी वानी के लिए रहता होगा, निकासी के लिए। देख सकते हो अंदर का स्ट्रक्चर कितना सुंदर बनाया हुआ है, गोल आर्च में आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ये देखिए किस तरीके से आर्च में बनाया हुआ है। अब ये क्यों था, पानी निकालने के लिए कैसे इसका इस्तेमाल किए जाते थे, इसके बारे में तो पता नहीं है जो ऐसा बनाया गया है। और इधर में देखिए पहले कैसा सिस्टम हुआ करता था, उसके बारे में तो अपने को कोई आइडिया है ही नहीं है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे 2-3 प्रकार की ऐसी नालियाँ बनी हुई है, दो टाइप से। और इधर में भी आपको दिखाई देगा एक ऐसा गोल आर्च में बना हुआ है और ये इधर से पाइप लगा हुआ है। तो इस टाइप से ये बना हुआ है। बीच में यहाँ पे 3 आपको इस तरह से खड़े दिखाई देंगे, यहाँ पे भी कुछ रहा होगा, ये निकाल लिया गया है। और ये एक छोटा कमरा बना हुआ है, शायद उस टाइम में यहाँ पे कोई रहता होगा या तो फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी गई होंगी, मशीनरी वगैरह। तो इस टाइप से ये बीच में बना हुआ है। तो लोग इसका इस्तेमाल यहाँ से छलांग लगाने के लिए करते हैं, यहाँ से कूदने के लिए पानी में। देखिए किस तरीके से जलकुंभी जो है फैल गई है और इतने तेज़ी से फैली हुई है कि बहुत जल्दी, क्योंकि पिछली बार जब मैंने वीडियो शूट किया था, आपको दिखाया था कि इसका काम शुरू हो गया है, तो उस समय में यहाँ पे पूरा पानी क्लीन था, ये ऐसा था ही नहीं, पूरा हरा हो गया है अभी। देखो कितने तेज़ी से निकालना शुरू। लेकिन ये काम थोड़ा लेट हो गया ऐसा लग रहा है, बिकॉज़ अब मौसम बन गया है पानी का, कभी भी बारिश हो सकती है और कभी भी पानी भर सकता है, जिससे अचानक पानी आने से इनकी मशीनें भी ख़राब हो सकती है और जो काम आपको दिख रहा है ये जो अधूरा है, ये अधूरा ही रहेगा। और अधूरा काम जो है वो खसक खुसक जाता है फिर बाद में, वो एक समस्या हो सकती है इनके साथ। अभी आप देखोगे तो गाइस, इधर का भी पूरा साफ़ कर दिया गया है। इस साइड में जितना भी कचाटा था, दिखाई नहीं देता था नीचे का रोड, अभी पूरा क्लीन दिखाई देता है। और यहाँ पे देख सकते हो ये बैठने के लिए था, तो यहाँ पे अभी अच्छा है, ये बैठने के लिए बैठ सकते हैं और बढ़िया है। और अभी ये चौड़ा भी हो जाएगा, पहले बहुत निरून था ये, इसकी पार भी चौड़ी की गई है। देख सकते हो यहाँ पे भरन डाला हुआ है, बाकी ये छोटा सा हो गया था रोड एकदम, और दोनों साइड से कचाटा था।
ये मॉर्निंग के लिए जो जॉगिंग वगैरह करना है ना, वॉकिंग जॉगिंग क्या क्या बोलते हैं, वो सब यहाँ पे आप कर सकते हो। सो गाइस, पहले जो कपल्स यहाँ पे बैठा करते थे ना, अब उनको मौका ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे झाड़ियाँ खत्म हो गई दोनों साइड में, अब झाड़ियाँ नहीं है, इसकी वजह से उनके तो वांदे हो गए। हाँ, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनके लिए एक अच्छा हो गया कि फैमिली के साथ यहाँ पे मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक वगैरह करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो गया है अभी, क्योंकि पूरा क्लीन हो गया, रोड चौड़ा हो गया और बढ़िया हो गया। अब ये एक नंबर हो जाएगा, यहाँ से जब साफ हो जाएगा, स्टोन पिचिंग हो जाएंगी तो बढ़िया होगा, आप फिर किनारे में थोड़ा बैठ भी सकते हो और अच्छा होगा। अभी मैं आपको आखिरी का भाग दिखाता हूँ, चलते हैं आखिरी में जहाँ से पानी इसका ओवर फ्लो होके जाता है। यहाँ का अभी और झाड़ी आप देख सकते हो काफ़ी सारा है, इधर में सदासावली जो बोलते हैं वो अभी यहाँ पे क्लीन होना बाकी है इधर का, लेकिन जो बड़े पेड़ थे वो उनकी कटाई हो गई है। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे पेड़ थे जो बबूल वगैरह के थे, तो यहाँ से आपको दिखाई देगा काफ़ी तोड़फोड़ हो चुकी है पूरे रोड के इधर में, और इधर से पार इसी के लिए लगा रहे हैं, ये मिट्टी की जो पानी है वो इधर से रोड पर से ओवरफ्लो कर होते हुए ना जाए। बाय द वे, ये ओवरफ्लो हो गया बारिश में, अभी काम तो पुलिया तो इतने आसानी से अभी जल्दी बनेगा नहीं, बारिश शुरू हो जाएंगी। वैसे काम तो ये शुरू है लेकिन काम में देरी हो चुकी है, जो पहले करना था पिछले साल के बारिश ख़त्म होने के बाद ही ये काम कर लेना था, लेकिन याद अभी आई है ना। तो यहाँ का पानी ओवरफ्लो होगा तो इधर रोड तरफ ना जाए, इसलिए इस तरीके से मट्टी की पार बना दी गई है और काम शुरू है, चलते हैं आखिरी तक। हम आ चुके हैं अभी लास्ट वाले पॉइंट पे जहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो, यहाँ से पूरा पूरा पानी गायब हो गया है ना, बहुत नीचे चले गया। मैंने तो इसे और भी नीचे जाते हुए देखा है पानी उनाले में, लेकिन इस बार पानी उतना नीचे गया नहीं है जितना जाता है, तो अभी यहाँ पे इतना खाली हो गया है और देख सकते हो यहाँ से लोग पानी में कूदा करते हैं। तो ये जगह मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जब छलांग लगाते हैं पानी की तो अंदर का सीन कैसा है वो देखते हैं कि नीचे का भाग कैसा रहता है लोग जब यहाँ पे छलांग लगाते हैं। कॉन्क्रीटीकरण शुरू है तो लोग यहाँ से नीचे जब छलांग लगाते हैं ना भाई, तो ये इतना ही गहरा रहता है ना, यानी हार्डली होगा 7-8 फुट के आसपास होगा, 7 फुट के आसपास, तो ये ज़्यादा गहरा रहता नहीं है, यहाँ पे इतना ही रहता है। बहुत लोगों को लगता है बहुत गहरा रहता है, तो ये ज़्यादा गहरा नहीं रहता, 7-8 फुट का ही गहरा रहता है। देख सकते हो यहाँ से मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से हाइट ज़्यादा है, लेकिन ओवरफ्लो वाली जो दीवार है वहाँ पे पानी कम है ना। और बहुत लोग जब पानी के किनारे के पास कूदते हैं ना भाई, पानी के किनारे के पास में मत कूदना, क्योंकि इधर में डाउन भाग है, कूदोगे तो नीचे टकरा जाओगे, हाथ पैर को चोट लग जाएंगी, है ना। इसलिए इधर से इधर कूदने का मैं वैसे सलाह तो नहीं देता हूँ, लेकिन जो कूद रहे कूदते ही है मना करने के बावजूद उनको मैं बता रहा हूँ, और कम लेवल का पानी फ्लो होने के लिए उधर से रास्ता बनाया है। सो गाइस, इधर आपने देखा होगा कि स्टोन पिचिंग का जैसे काम शुरू है, तो अगर इतना लेवल में पानी भरेगा तो स्टोन पिचिंग वगैरह सब ख़राब हो जाएगा, उधर मशीनें काम कर रही है, इसलिए अगर पानी अगर आता भी है तो आप देख सकते हो उस लेवल की नाली बनाई गई है, जो स्टोन पिचिंग और जो मशीनरी है वो ख़राब ना हो, अचानक रात को पानी आया कुछ आया, तो यहाँ पे एक नाली बनाई गई है, और नाली सीधी आप देख सकते हो उधर से एक दीवार तोड़ी गई है, और वहाँ पे उस हाइट से पानी जो है पास होते रहेगा, तो इतना ओवरफ्लो होने वाला नहीं है तालाब इस बार। लेकिन फिर भी अगर बारिश बहुत ज़ोर की हुई, क्योंकि ये तालाब में सिर्फ इतना ही पानी नहीं होता बल्कि बहुत दूर से पानी आता है, नाले वगैरह से पानी आता है, अगर उन नालों को डाइवर्ट किया होगा कहीं पे तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं किया होगा तो नालों का भी पानी आएगा, तो फिर ज़्यादा पानी भरेगा, नहीं तो फिर पानी उतने समय से निकल जाएगा गाइस, जिससे नागपुर में ओवरफ्लो नहीं होगा। बाकी गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, मेरी दी हुई जानकारी हो सकती है आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन उम्मीद करूँगा कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। लाइक करो, शेयर करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी तरह आपको रियलिटी और रियल इन्फॉर्मेशन नागपुर एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे। और हाँ गाइज, फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लो, और इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूले, क्योंकि सबसे पहले अपडेट हम लोग इंस्टाग्राम आईडी पे ही डालते हैं, स्टोरी के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, लॉन्ग वीडियोस बाद में आते हैं, है ना, तो उसे फॉलो ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाना गाइज। लोग वॉच कर रहे हैं वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब और फॉलो नहीं कर रहे, तो ऐसा मत करो, है ना, फॉलो करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो है ना, समझा करो यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।